ओके सो जस्ट रिसेंटली मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कि आप भी अपने वॉइस ओवर को लेके परेशान हैं, और ये वीडियो था कि टेक्स्ट को कन्वर्ट करके स्पीच में कर सकते हो। और उसमें मैंने डिफरेंट एआई वॉइसेस के बारे में बताया था और एक वेबसाइट के बारे में बताया था, बट मुझे नहीं मालूम था कि ये एक इशू बन जाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि डिफरेंट कमेंट्स इसके नीचे मुझे मिल रहे थे। और वो कमेंट ये थे कि भाई अपना चैनल मोनिटाइज होगा कि नहीं टेक्स्ट टू स्पीच यूज करने के बाद। सो देन मैंने सोचा ये तो एक इशू हो गया। भाई मैंने यूट्यूब के एम्प्लॉय से बात किया था, देखो हमारा 100 के होने के बाद ना आपका भी अगर 100 के कभी हो जाए तो आपको एक चैट का ऑप्शन मिलता है यूट्यूब टीम के साथ बात करने के लिए। कभी भी आपका कुछ भी हेल्प वगैरह लेना हो, कुछ भी आपको जानना हो तो वहां पर बात कर सकते हैं। मैंने बात किया था, करने के बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताया जिसे जानने के बाद आप इस तरह से चैनल जो है चला के भाई मोनेटाइज कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको डीपली बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, आपको सुन के जाना पड़ेगा तब जाके कर सकते हो, वरना भाई मोनेटाइज नहीं होने वाला। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक चैनल है स्टोरी रिकैप्ड नाम का, ये वीडियो देखने के बाद जाके सर्च कर लेना। वो बंदा अपना चैनल जो है वो AI वॉइसेस के जरिए चलाता है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि भाई वो जो AI वॉइस यूज करता है अपने चैनल पर, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। पुराने 6 महीने पहले जो वीडियो था एक बार उसे प्ले करके देख लेना, और 2 महीने पहले कौन सा वाला वीडियो था वो भी प्ले करके देख लेना। रिसेंटली वो रियल वॉइस पर शायद कन्वर्ट हो चुका है, बट पहले वो AI वॉइसेस यूज करता था अपने वीडियो पर। बट अगर आप जाके देखोगे ना, वो जो AI वॉइस यूज करता था वो एक ही AI वॉइस सारे वीडियो पर यूज नहीं करता था। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है जो मुझे बात करने के बाद पता चला। रिपीटेटिव अगर आप AI वॉइसेस यूज कर रहे हो हर एक वीडियो में, तो यहाँ पर शायद आपका जो मोनेटाइजेशन के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो चैनल रिव्यू पर जाने के बाद शायद अप्रूव नहीं होगा। मैंने जब YouTube टीम के साथ बात किया था ना, तो उन्होंने एक चीज और बताया। उनका जो चैनल रिव्यू का सिस्टम है ना, वो मशीन लर्निंग के जरिए ऑटोमेटिक भाई रिव्यू करता है। जब आपका चैनल एक ऑटोमेटिक उनका पैटर्न है उसकी मदद से यहाँ पर रिव्यू होता है, तो रिव्यू हो जाने के बाद ना जिनका तो चैनल मोनेटाइज होना था वो हो जाता है, बट जिनका मोनेटाइज नहीं होता तब वो अपील कर सकते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि भाई अगर आपका मोनेटाइज नहीं होता तो भाई अपील तो आप कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है आपका कंटेंट जेन्युइन है, ये है वो है, आप AI वॉइसेस यूज कर रहे हो, फिर भी अगर आपको लगता है आपका कंटेंट यूनिक है, देन आप अपील करने से भी आपका चैनल आपको मोनेटाइज मिल सकता है। सो अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, और वो चीज ये है कि देखो जब भी आप AI वॉइसेस यूज कर रहे हो ना, कोई प्रोफेशनल वेबसाइट जो होते हैं, मैंने एक वेबसाइट आपको बताया था जो भाई पेड वेबसाइट था, तो इस तरह का प्रोफेशनल वेबसाइट आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको वॉइसेस भी प्रोफेशनल देखने को मिलेंगे और डिफरेंट तरह के वॉइसेस जो आप डिफरेंट वीडियोस में यूज कर सकते हो। एक ही वॉइस के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। और यहाँ पर अगर आप गूगल वगैरह से यूज कर रहे हो ना, तब तो भाई अरे तू जा रही। नेक्स्ट जो चीज यहाँ पर मुझे पता चला वो ये है कि भाई देखो जो आप AI वॉइसेस के जरिए चैनल चला रहे हो ना, तो अगर आप चलाने जाओगे तो या फिर चला रहे हो, यहाँ पर आपका कंटेंट को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक एक चीज जो भी आप फुटेज वगैरह यूज कर रहे हो ना, वो आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। वो आपका खुद का होना चाहिए, या फिर जहां से भी यूज कर रहे हो ना वो आपका भाई एक यूनिक होना चाहिए जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी का कंटेंट दूसरी जगह से भाई कॉपी करके डायरेक्टली अपलोड करके उसके ऊपर AI लगा रहे हो, इस तरह से कभी भी नहीं होगा। आपको भाई थोड़ा यूनिक होना चाहिए, जिस भी तरह से एडिटिंग से हो या फिर किसी भी तरह से हो, ये चीज भी मुझे पता चला। देन नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एक और चीज के बारे में जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम इमेज स्लाइड शो यूज करके उसके ऊपर टेक्स्ट लगा के कर सकते हैं। टोटली नहीं भाई, इस तरह का आप चैनल बनाना भी मत, और इस तरह का जो कंटेंट है वो भाई रियूज कंटेंट वगैरह हो जाता है, और ये अप्लाई करने के बाद मोनेटाइज नहीं होता। मेरा एक दोस्त का भी नहीं हुआ था, तो भाई ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। फोटोज लगा के भाई उसके ऊपर टेक्स्ट लगा के और AI वॉइस यूज कर लोगे, नहीं होगा। और एक चीज मैं यहाँ पर फिर से ऐड करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AI वॉइस एक ही AI वॉइस से अपने सारे वीडियोज मत बनाना। AI वॉइस जो भी यूज कर रहे हो ना, प्रोफेशनल एक तो होना चाहिए, दूसरा चेंज होना चाहिए। 3-4 वीडियो में यूज कर लिया एक वॉइस, देन आप उसे चेंज कर सकते हो। थोड़ा रियल से तो भाई मिलना चाहिए, इस तरह का वॉइस यूज करो। पहले जो आपने वॉइस यूज किया वो अगर आपको दोबारा से यूज करना है ना, तो उसे 3-4 वीडियो में यूज करने के बाद आपको उसे एक बार चेंज करना है। देन उसके बाद जो भी आप नया वॉइस यूज करोगे उसे 2-3 वीडियो में फिर से यूज करो, और फिर से उसे चेंज करो, चेंज करके एक और दूसरा आप वॉइस ऐड करो। देन उसके बाद जो आपने पहला वॉइस यूज किया था उसे दोबारा से यूज कर सकते हो। कुछ इस तरह का तरीका होता है AI वॉइसेस यूज करने का। एक ही AI वॉइस की मदद से अपने पूरा चैनल बना लोगे तो डिटेक्ट कर लेता है भाई यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, या फिर जो रिव्यू करता है, पहला जो रिव्यू सिस्टम है वो मशीन लर्निंग के जरिए होता है, तो यहाँ पर वो डिटेक्ट कर लेगा। यही था आज की इस वीडियो में। मुझे जहाँ तक भाई बात करने के बाद पता चला जो चीजें, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। देखो इतना चिंता करने की बात नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से ही बना सकते हो। और बहुत लोगों का भाई यार ड्रीम रहता है यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाना, बट वो वॉइस ओवर नहीं कर पाते, फेस कैम नहीं कर पाते जैसे हम कर रहे हैं। तरह से भाई धीरे धीरे होता है। अगर आप कुछ दिन AI वॉइस की मदद से थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाए ना, देन उसके बाद आप खुद भी फेस कैम कर पाओगे या फिर वॉइस ओवर कर पाओगे। इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने भी बहुत AI वाले वॉइस ढूंढे थे।